आज हम जानेंगे एक ऐसी तंत्र विद्या के बारे में जिसको साध लेने पर किसी भी व्यक्ति के भूत वर्तमान भविष्य को बताया जा सकता है वो व्यक्ति कहाँ से आया है उसका नाम क्या है माता पिता का नाम क्या है क्या प्रश्न लेकर आया है आया है क्यों आया है किस समस्या के कारण आया है इत्यादि सारी बातें व्यक्ति एक ही समय में जान लेता है और उसे बता देता है सामने वाला व्यक्ति ये सारी बातें जानकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि अमुक व्यक्ति को ये बातें कैसे पता चली पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है क्योंकि ये सारा कमाल है कर्ण पिसाचीनी विद्या का जो व्यक्ति इस विद्या को साध लेता है उस इस विद्या से जुड़ी शक्ति को वश में कर लेता है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है पर मुश्किल है इस विद्या को साधना इसमें साधक और गुरु दोनों का योग्य होना जरूरी है योग्य गुरु से योग्य शिष्य जब इस विद्या को प्राप्त करता है तो वो जन जन के लिए हितकारी हो जाती है जैसे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जिन्होंने इस विद्या का सदुपयोग करके जन जन को लाभ पहुंचाया है तो जानते हैं इस विद्या के बारे में थोड़ी और जानकारी और इस विद्या को साधने का मंत्र तो कर्म पिसाचिनी सिद्धि विद्या वो तंत्र विद्या है जिसमें हर सवाल का जवाब एक अलौकिक शक्ति कान में आकर बता देती है और ये जवाब सिर्फ उसी व्यक्ति को सुनाई देता है जिसके पास ये विद्या होती है इस विद्या को कर्ण पिसाचिनी विद्या के अलावा पिसाच विद्या या अंग्रेजी में नेक्रोमेंसी भी कहा जाता है तो अब जानते हैं कर्ण पिसाचिनी विद्या को साधने का मंत्र तो इसका मूल मंत्र है ओम वद वद स्वाहा ओम वद वद स्वाहा इस मंत्र को सूर्योदय के समय वृक्ष के नीचे कुबेर के सामने गुड़ मिली हुई खीर से एक महीने तक एक लाख जप करें और ज्योतिषमती घृत यानी मालकांगनी घी से एक पक्ष तक रात्रि के समय होम करता हुआ एक सौ आठ बार जप करें इसके पश्चात अंकोल यानी टेरे की टहनी के अग्र भाग से एक सहस्र हवन करने पर यक्ष सिद्ध होकर साधक के कान में भूत भविष्य वर्तमान की सब बातें कहता है तो इस विद्या को कभी भी अकेले में अभ्यास न करें। योग्य गुरु के मार्गदर्शन में इस विद्या का अभ्यास होना चाहिए अन्यथा अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है इस विद्या को साधने से पहले लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि व्यक्ति इस विद्या से क्या प्राप्त करना चाहता है तो सही उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है तो मंत्र वीडियो में दिया गया है चाहे तो उसे सेव कर सकते हैं तो आज का प्रश्न है क्या कभी किसी ने किसी भी मंत्र को साधा है कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें